चलिए चलिए चलिए, अब हम सब एक नया गेम खेलेंगे। ओके ओके। ये क्या हो रहा है? अरे रिलैक्स मां, लोड बढ़ गया होगा, इसी फ्लक्चुएट हो रहा होगा। अब चिंता मत कीजिए ना, हर चीज में कुछ बुरा होगा ऐसा सोचना गलत है मां। हमें जिंदगी में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। हर चीज में अगर हम पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। ऐसे क्या देख रही है तू? मुझे पहचाना नहीं? मैं कोई गेम नहीं खेल रही हूं। मैं तो डर मत बेटा, बता क्या बात है। ओके, तो सबसे पहला सवाल किससे? चाची माँ से। चाची माँ, क्या आपने आज खाना खाया? हाँ मैंने Yes or no, तो नहीं कहा, हाँ में जवाब दिया, ऐसे थोड़ी आउट हो सकती हूँ मैं। नहीं नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब हाँ ना yes no नहीं कहना है, आपको ठीक से उसका जवाब देना है। ओके आरू कॉन्सेंट्रेट। अरहान, अरे मैं तेरे स्कूल गई थी उस दिन, पता है? मुझे तेरा फ्रेंड का नाम क्या था? रोहन आई थिंक ना। रोहन अच्छा लड़का है क्या? तू नाकाम हो गई और तूने मुझे बहुत निराश किया, लेकिन इसके बावजूद मैं तुझे दूसरा मौका दूंगी। देख, मेरे सिवा तेरा है ही कौन? आज तू जो कुछ भी है मेरी वजह से ही तो है। मैंने अगर तेरा सपोर्ट ना किया होता तो क्या हाल होता तेरा? अब मेरी बात ध्यान से सुन। वैसे भी मुझे तो लगता है मैं अब किसी को भी नहीं मारता। सही कहती है कायरा, मुझे ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। ना रो ना चिल्ला, क्योंकि यहाँ तेरे ये घर वाले तुझे बचाने के लिए नहीं आने वाले। क्या कहा तूने? मैं तो कुछ भी नहीं करना चाहती माँ, मैं इन लोगों को और परेशान नहीं कर सकती, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुझे क्या लगता है कि तू इसके अलावा भी कुछ कर सकती है? नहीं, तू मेरी गुलाम है और तुझे मेरी किसी बात को इनकार करने का कोई हक नहीं है। तेरे पास मेरी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पहले ही जब तूने समर्पण किया था मेरे सामने, उस वक्त इस परिवार को, इनके बच्चों को और इन औरतों को मार दिया होता। अब तू पीछे नहीं हट सकती, तुझे इन सबको मारना ही होगा, क्योंकि बात तेरे चाहने की नहीं है बल्कि मैं चाहती हूँ इन सबको मारना। तू तो सिर्फ मेरा हथियार है। मैं वो सब कुछ करूंगी, मैं सबको मार दूंगी, सब करूंगी। उसका क्या मकसद है यहाँ आने का? यार मुझे भी नहीं पता, पर हमें पता लगाना होगा। मुझे मुझे इतना जरूर पता है कि उसने मिली के साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मिली हम सबके खिलाफ हो गई। तो मिली को यूज करिए हमारे खिलाफ, हमें उसका पता लगाना होगा। हम मिली के तो उसका पता लगा सकते हैं। हाँ विहान, वो हमारे परिवार को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, वो हमारे परिवार को बर्बाद कर देगी। हमें अपने परिवार को बचाना होगा। You have to do something. कायरा, हम इन बातों पर कैसे विश्वास कर ले? ऐसे भी तो हो सकता है ना, ये सब मिली का जादू है, वो हमें बहकाने की कोशिश कर रही है। उसकी चाल भी तो हो सकती है बेटा, और अगर वो इस घर में रहेगी तो हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा पाएगी। उसे इस घर से जितना दूर भेज सकते उतना दूर भेजना चाहिए। नहीं माँ,
वो घर में रहेगी, वो कमरे में बंद रहेगी, फिर तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। अगर वो बाहर निकल गई तो वो और खतरनाक हो जाएगी। और अभी इस वक्त मिली किसी के स्पेल में। स्पेल में मतलब तुम कह रही हो कि वशीकरण? हाँ, मिली अगर इस घर से बाहर निकल गई तो वो और डेंजरस हो जाएगी। हम सबके नजरों के सामने रहेगी तो एटलीस्ट हमें पता तो चलेगा कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। तब तक मैं पता लगा लूंगी कि इस सबके पीछे किसका हाथ है। अभी के लिए मुसीबत भले ही टल गई हो, पर माँ क्या गारंटी है कि मुसीबत खत्म हो गई? आप लोग प्लीज मेरी बात पर यकीन कीजिए। खैर बेटा, इस मामले में मैं अपनी बहू के साथ।